गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। आज से फिर शुरू होंगी साहसिक गतिविधियां, गोवा की तरह बिलासपुर में भी कर सकेंगे क्रूज की सवारी। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने के बाद साहसिक गतिविधियां आज से फिर शुरू हो जाएंगी। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में सैलानी पहली बार हाई स्पीड स्टीमर और जेटी का आनंद ले सकेंगे। यह सुविधा 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। इसी झील में करीब 10 दिन बाद 60 सीटर क्रूज चलना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पर्यटक कुल्लू की ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग और बीट बिलिंग बंदला सहित अन्य साइट पर भी पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकेंगे। मंडी की मस्जिद में मुस्लिम समुदाय ने खुद तोड़ा अवैध निर्माण, लोनिम की जमीन पर किया था कब्जा। मुस्लिम समुदाय ने मंडी के जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू कर दिया है। पिछले कल पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में समुदाय ने मस्जिद के बाहर पीडब्ल्यूडी की जमीन से अवैध निर्माण हटाया। 10 सितंबर को लोक निर्माण विभाग ने निशानदेही करके यहां अवैध निर्माण पाया था। इसके बाद समुदाय ने एक दीवार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया, लेकिन हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के चलते अगले दिन काम रोक दिया गया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ FIR। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ पुलिस ने @TeamSath नामक सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कोटखाई में मामला दर्ज किया गया है। FIR भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरकाटा ने दर्ज करवाई है। वहीं चेतन ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट से हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक त्यौहार जागरा में नृत्य करने वाले लोगों को आतंकवादी करार दिया गया है। यह आपत्तिजनक पोस्ट हिमाचल की धार्मिक परंपराओं का अपमान है। बरकाटा ने कहा कि देवभूमि हिमाचल की पवित्र परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के प्रति इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी से प्रदेश के लाखों लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। कहा कि जागरा जैसे धार्मिक आयोजनों में नृत्य करने वाले ग्रामीणों को आतंकवादी कहना निंदनीय और अस्वीकार्य है। इस मामले में कोटखाई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी गई है। हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों के लिए आज खुलेगी बिड। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदनी है, मगर वो बसें नहीं ले पा रहा है। इसके लिए सरकार ने बजट भी मंजूर कर रखा है, मगर निर्माता कंपनियों का रुझान ठीक नहीं है। एक बार फिर से निगम ने इन बसों की खरीद के लिए टेंडर किए हैं, जिसकी बिड आज खोली जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस बार भी टेंडर में 2 ही कंपनियों ने हिस्सा लिया है, और हो सकता है कि निगम को इनमें से ही किसी एक को काम देना पड़े, क्योंकि बार बार टेंडर करने के बाद भी कंपनी आगे नहीं आ रही है। उनका रुझान नहीं होने के कारण मामला लटकता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पथ परिवहन निगम को 100 बसों की खरीद के लिए काफी समय पहले मंजूरी दे दी है। निगम का बेड़ा इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाना है। इसके लिए 200 बसों की खरीद का एक प्रपोजल है, मगर उसके लिए भी अभी टेंडर किया जाना है। हिमाचल में वन मित्र भर्ती की तैयारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्टिव मोड में वन विभाग। हिमाचल में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया अब जल्द शुरू होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के आदेश पर वन विभाग इस भर्ती को पूरा करेगा। प्रदेश में 2061 पदों पर वन मित्रों की भर्ती आयोजित की गई है, लेकिन 10 अंकों के साक्षात्कार को लेकर यह मामला हाईकोर्ट में चला गया था। अब हाईकोर्ट से आदेश के बाद 10 अंकों के साक्षात्कार को खत्म कर दोबारा से भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2061 पदों के लिए 30 दिसंबर तक सामान्य जिलों और 15 जनवरी तक जनजातीय क्षेत्रों से भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। प्राइमरी स्कूलों में टीचर कम होने से नाराज, बच्चों की शिक्षा पर असर। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक संघ ने प्रदेश सरकार और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के खिलाफ 21 सितंबर को सांकेतिक धरने का ऐलान किया है। राज्य के प्राथमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा का कहना है कि लंबे समय से प्रदेश सरकार के समक्ष विभिन्न मांगें उठाते आए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 3000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं, जिस कारण प्राथमिक स्कूलों को चलाना कठिन हो गया है। इन पदों को बच्चों व प्राथमिक शिक्षा के हित में जल्द से जल्द भरा जाए। इस समय 20 से कम संख्या वाली पाठशालाओं में दूसरा शिक्षक नहीं दिया जा रहा है। मैं भी ऐसा ही रहा कि हजारों रिक्तियों के चलते लंबे समय तक बिना अध्यापक या एक अध्यापक के सहारे रहे, और बच्चों के माता पिता बच्चों को निकालकर मजबूरन दूसरे स्कूल में ले गए। वहीं प्रदेश के करीब 6300 प्राथमिक स्कूलों में पूर्व प्राइमरी कक्षाएं वर्ष 2018 से चल रही हैं। 6 वर्ष बीत जाने पर भी इन कक्षाओं के लिए नर्सरी अध्यापक नहीं
नहीं रखे गए हैं। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के चक्कर में ठगी का शिकार हुआ युवक के 1,25,00,000 रुपए की लगी चपत। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के चक्कर में एक युवक ने लगभग 1,25,00,000 रुपए गवा दिए हैं। इस संबंध में शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत दर्ज करवाते हुए 19 वर्षीय ओम आदित्य निवासी कोटला खुर्द ने आरोप लगाया कि वो प्रॉपर्टी और फाइनेंस का काम करता है। वर्ष 2022 में उसे दो लोगों ने कुलदीप कुमार निवासी बलाचौर पंजाब से मुलाकात करवाई। कुलदीप ने उसे बताया कि वो शेयर मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करता है। कुलदीप ने पहले 10% ब्याज पर रुपए शेयर मार्केट में लगाने के लिए मांगे और उसने 5,00,000 रुपए दे दिए। उसके बाद कुछ समय तक ब्याज के रूप में मिलते रहे, धीरे धीरे करके कुलदीप को 21,00,000 रुपए और दे दिए। उसके बाद आदित्य के तीन दोस्तों रमेश निवासी देहरादून ने लगभग 75,00,000, राम कुमार और सतनाम ने 25,00,000 रुपए कुलदीप के खाते में डाल दिए। अब एक साल से कुलदीप न तो रुपए वापस कर रहा है और न ही ब्याज दे रहा है। आदित्य ने आरोप लगाया कि कुल 1,25,00,000 रुपए उससे ठग लिए गए हैं। SP राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्र यदि स्कॉलरशिप से वंचित रहे तो शिक्षण प्रमुख और स्कॉलरशिप इंचार्ज से वसूली जाएगी राशि। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत संस्थान के प्रमुख को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे शिक्षक या प्रोफेसर को स्कॉलरशिप इंचार्ज का जिम्मा सौंपे जो कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग में कुशल हो, ताकि स्कॉलरशिप की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके साथ ही संस्थान के प्रमुख सहित छात्रवृत्ति प्रभारी यानी स्कॉलरशिप इंचार्ज व मास्टर ट्रेनर को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न राज्य केंद्रीय और अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। यदि कोई छात्र अभी भी निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना आवेदन पत्र जमा करने में विफल रहता है तो संस्थानों के प्रमुख और छात्रवृत्ति प्रभारी छात्रवृत्ति राशि की कमी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और आगे की छात्रवृत्ति राशि उन दोनों के वेतन से वसूल की जाएगी। एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर से ट्रांसफर होंगे 96 कर्मी। एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर से एक बार फिर कर्मचारी बिजली बोर्ड में जाएंगे। इन कर्मचारियों के तबादला आदेश आज निकाले जाएंगे। अब इनको वापस चीफ इंजीनियर सिस्टम ऑपरेशन कार्यालय में ही भेजा जाएगा या नहीं यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तबादला आदेश होंगे और उनके नए सिरे से ही जारी किया जाएगा। ऐसे में बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की वापसी किसी भी विंग में हो सकती है। बताया जाता है कि एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को चीफ इंजीनियर सिस्टम ऑपरेशन कार्यालय से कुल 96 लोग भेजे गए थे। यह सभी वहां के लिए तब्दील हुए और अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारी हैं। सुखू सरकार की बड़ी कमाई। संसाधनों की कमी से जूझ रही सुखू सरकार हर क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने को प्रयासरत है। सरकार को खुशखबरी बिजली क्षेत्र से है, जिसमें उसने अच्छी खासी कमाई की है। अभी बिजली परियोजनाओं का उत्पादन उफान पर है और उससे सरकार को मिलने वाले हिस्से की बिजली से सरकार की भी आमदनी बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार 15 सितंबर तक सरकार को हिस्से की बिजली बेचने से 1,300 करोड़ रुपये तक की कमाई हो चुकी है और उसका टारगेट 2,000 करोड़ रुपये का है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार टारगेट से भी ज़्यादा की इनकम होगी, जो कि पिछले कुछ सालों से कम हो चुकी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के ऊर्जा निदेशालय ने सरकारी हिस्से की बिजली की बिक्री को लेकर आंकड़ा जुटाया है और सरकार को इसकी सूचना भेजी जाएगी। 15 सितंबर तक आंकड़ा जुटाया गया है और पिछले कल तक की अपनी आमदनी का आंकड़ा वो सरकार को भेजेंगे। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।